बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राजक वाहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर वास और मैं अभी मैंने देखा कि चैनल पे बहुत ज़्यादा बच्चे और बच्चियों की, लड़के लड़कियों की, मेरे स्टूडेंट्स की, मेरी यूथ की बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक की इंडिविजुअल क्वेरीज का तो शायद जवाब देना मेरे लिए मुमकिन ना हो, लेकिन मैं वन बाय वन जो ज़्यादा क्वेरीज हैं उनको अभी ज़रूर आई एम रिस्पॉन्डिंग थ्रू वीडियो, ताकि आप उसे आई मीन आपके लिए फ़ायदेमंद हो और उससे आप गाइडलाइन ले सकें। अभी ये वीडियो जो है ये इस टॉपिक पर है कि बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया है थ्रू चैनल, थ्रू व्हाट्सएप मैसेज एंड ऑल दैट कि सर हमने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं और हमें कॉल नहीं आ रही। पहले ये पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए और इवन ग्रेजुएशन कोर्स के भी एक दो लड़कों के ये कमेंट्स हैं। तो इस पर बेटा मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपने इनिशियल टेस्ट किया, इनिशियल टेस्ट के बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आपको ISSB के लिए कॉल किया गया, ISSB पे भी अल्लाह की रहमत से और वालदैन की दुआओं से आपने रिकमेंड हो गए और नो यू आर वेटिंग फॉर द फाइनल कॉल। अच्छा, आपको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि डोंट बी इम्पेशेंट। आप अपना काइंडली स्ट्रेस पे ना आए, परेशान होने वाली बात नहीं है, आपका डाटा मेंटेन हो रहा है। फाइनल सिलेक्शन जो है रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर जैसे GHQ है, जैसे PF हेडक्वार्टर है, जैसे नेवल हेडक्वार्टर है, मोस्टली PMA लॉन्ग कोर्स के लिए तो GHQ में होती है, तो वो सारे मेरिट बनाती हैं दोबारा फाइनल कॉल से पहले और उस मेरिट को देखा जाता है कि इसने ISSB में क्या परफॉर्म किया, इसके पीछे इनिशियल में क्या थे, उस बेस पे मेरिट लिस्ट बनती है। इवन ISSB के रिकमेंड होने के बाद भी मेरिट लिस्ट आपकी बनती है। ISSB से रिकमेंडेड हो जाना इज नॉट गारंटी कि यू विल बी कॉल्ड फॉर द लॉन्ग कोर्स। तो उस मेरिट के बेस पे थोड़ा टाइम लगता है, लिस्ट बनती है और मोस्टली अल्लाह की रहमत से जो लोग, जिन बच्चों ने ISSB पास की होती है वो अमूमन 99% वो कॉल कर लिए जाते हैं क्योंकि मेरिट में फॉल हो जाती हैं, बड़ा अच्छा लोग परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर वो मेरिट लिस्ट से पहले, आपको परेशान होने की नहीं ज़रूरत, वो मेरिट लिस्ट बनती है, वो रिस्पेक्टिव ब्रांच में जो सीनियर्स हैं वो उसको प्रूव करते हैं और उसके बाद फाइनल लिस्ट आउट होती है और फाइनल सिलेक्शन का हाल आपको रिसीव होती है। मैं सिर्फ आपको इतना श्योर करा सकता हूँ एट दिस एज एंड एट दिस लेवल कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं जाते करते। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो बेसिकली ये लिस्ट बनेगी, आपको कॉल भी आएगी और आपको फाइनल सिलेक्शन के थ्रू पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको अल्लाह ना करे बदगुमान बदजन या वो होने की जरूरत नहीं है कि खुदा का सा इधर सिफारिश चल जाएगी या मेरे नाम का क्या, रेस्ट श्योर कि सिफारिश नहीं चलती फोर्सेस में। मैं बड़ी इस पर बड़ी क्लियर वीडियो भी है मेरी, फोर्सेस पे मेरिट को इज्जत दी जाती है। अगर आप मेरिट पे फॉल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कोई आपका हक नहीं सीने का। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे, कामरान करे, आपके दिल की दुआएं कबूल हों, मेरे दिल की दुआएं कबूल हों, आप और मैं अपने वालदैन के लिए सदका जारिया बने, जिनके वालदैन हयात हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी खिदमत करें, और जिनके वालदैन, मेरे वालदैन दुनिया से चले गए हैं, मेरे वालदैन जैसे दुनिया से चले गए हैं, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए, मेरे भाइयों को जन्नत दे और जो अहले इस्लाम वफात पा गए हैं उनको भी अल्लाह पाक जन्नत से नवाजे। अल्लाह पाक मेरे प्यारे देश, मेरे प्यारे वतन का झंडा सलामत रखे, इसको अरूज दे और मुझे और आपको अपने प्यारे देश के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे काम करने की हिम्मत तौफीक इनायत फरमाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।